वेलकम फूडीज। सो आज हम वेज हांडी बिरयानी बनाएंगे बहुत इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने 1.5 कप चावल लिया है, उसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। अब एक बर्तन में हम 5 से 6 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसमें 5 से 6 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी और 1 जायत्री का फूल, 2 बड़ी इलायची या काली इलायची, 1 अनानास का फूल, 3 हरी इलायची या छोटी इलायची और नमक टेस्ट के अनुसार और 1 चम्मच तेल। अब उसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे और उसमें हम 1 बड़ा प्याज को कट कर लेंगे लंबाई में और उसके लेयर को अलग कर लेंगे और उसको डार्क ब्राउन होने तक उसमें भून लेंगे। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भून रही हूँ। अब उसी तेल में हम 100 ग्राम पनीर को क्यूब में कट करके ऐड कर लेंगे और उसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब उसको साइड में निकाल कर रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और उसको तड़कने देंगे। उसमें हम 1 तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे और 1 प्याज बारीक कटा हुआ, उसको भून लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अब इसको हम प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब जब प्याज भून गया है तो हम उसमें अपने पसंद से सब्जियां ऐड कर लेते हैं। उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा फूलगोभी, थोड़ा बीन्स, 1 गाजर लंबाई में कट किया हुआ और 1/2 कप मटर। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिया है, आप नॉर्मल मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो, इसका क्रंचीपन रहे थोड़ा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया है और इसमें खड़ी मसाले का भी टेस्ट अच्छे से आ गया है। तो हम उसमें जो चावल धो के रखे थे उसको हम डाल लेंगे और पका लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारी सब्जियां भी भून चुकी हैं तो हम उसमें 3 टमाटर मीडियम टमाटर को बारीक कट करके ऐड कर रहे हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के गलते तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे। मैंने खड़ी मसाले पानी से इसलिए अलग किया क्योंकि जब हम बिरयानी खाते हैं तो वो बार बार मुँह में आता है, जिससे बिरयानी का स्वाद बदल जाता है इसीलिए। अब टमाटर गल चुका है तो हम उसमें 150 ग्राम के करीब दही ऐड किए हैं और 1.5 टीस्पून हमने बिरयानी मसाला ऐड किया है और 4 से 5 हरी मिर्च लंबाई में कट करके ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको ग्रेवी के सूखते तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा सेमी ग्रेवी रखेंगे। अब दूसरी तरफ हमारा चावल भी रेडी है, इसको हमने 70% ही पकाया है, बाकी हम सब्जी के साथ पकाएंगे। तो इधर सब्जी भी रेडी हो गया है, बस हमको इतना ही ग्रेवी चाहिए। तो अब हम इसमें जो पनीर भून कर रखे थे उसको भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये बिरयानी, और इसका सारा रूल फॉलो कीजिएगा। आगे जो मैंने लेयर में बताऊँगी वो भी आप सेम टू सेम करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पहले मैंने एक हांडी लिया है, उसमें मैंने घी ग्रीस किया है। अब जो सब्जी है उसको मैं फैला रही हूँ एक लेयर, उसके ऊपर मैं थोड़ा राइस का लेयर फैला रही हूँ। आप इसको 2 या 3 लेयर में बना सकते हैं, यहाँ पर मैं 3 लेयर में बना रही हूँ। तो हमने राइस को फैला लिया, अब उसमें हम थोड़ा सा पुदीना पत्ती ऐड कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और जो प्याज हमने भून कर रखा था डार्क ब्राउन उसको ऐड कर रहे हैं। अब हम
थोड़े से पानी में केसर भिगो के रखे थे 5-6, उसको उस पानी को हम 2 चम्मच ऐड किए हैं और 1 चम्मच घी ऐड किए हैं। फिर उसके ऊपर हम सब्जी का लेयर बना देंगे। उसके ऊपर हम फिर से राइस डालेंगे। आप इसमें घी ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बिरयानी में बहुत ही अच्छा आता है। तो अब फिर से हम इसमें पुदीना का पत्ती ऐड कर रहे हैं और थोड़ा हरा धनिया, फिर जो प्याज ब्राउन किए थे वो, और फिर से केसर वाला पानी 2 चम्मच और 1 चम्मच घी, और फिर से हम एक सब्जी का लेयर डाल रहे हैं और ऊपर में राइस, ये फाइनल लेयर है। उसमें हम ऊपर पुदीना पत्ती और थोड़ा हरा धनिया, और जो अब केसर वाला जो पानी पूरा बचा था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, और जो भी प्याज बचा था उसको भी ऐड कर लेंगे, ब्राउन किया हुआ प्याज, और 1 चम्मच घी। अब हम इसको ढक देंगे और इसके कॉर्नर को हम गेहूं के आटे से सील कर देंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे, और अब हमारा बिरयानी रेडी है। तो चलिए अब हम इसको खोल कर दिखाते हैं। तो अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमारा बिरयानी बहुत खिला खिला सा और टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।